चैप्टर 10 देख रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अलग अलग शेप्स से आप फेमिलियर हैं, जानते हैं, आपने देखा कि एक लाइन सेगमेंट किसी लेंथ की कैसे बनाते हैं, कोई लाइन परपेंडिकुलर इस पे कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर एक एंगल कैसे बनाते हैं, एक एंगल का बाइसेक्टर कैसे बनता है और सर्कल कैसे बनता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैरेलल लाइंस हम कैसे बनाएंगे और कुछ ट्राइंगल्स, सम ट्राइंगल्स विल ट्राई टू नो। तो पहली चीज है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अगर एक लाइन है तो उससे पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे आप, जिससे मतलब पॉइंट अलग है, पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन, फिर भी आपको एक लाइन इससे पैरेलल बनानी है। तो एक एक्टिविटी करते हैं, एक शीट देते हैं पेपर की, उसको जरा एक फोल्ड कर दीजिए, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ये पूरा एक शीट है, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड किया, तो यहां पर एक लाइन एल आ रही है आपकी, एक लाइन आ रही है। अब जरा इसको अनफोल्ड कर दीजिए, यहां पर पॉइंट एक मार्क कीजिए ए, जो एल से अलग हो, मतलब एल पे ना हो, एल से अलग हो। अब इसको फोल्ड करिए पेपर को, इस तरीके से करिए कि ए ए से पास हो, इस तरीके से फोल्डिंग करिए कि ए से पास हो। इसको आप दे दीजिए ए एन का नाम, ऐसे। अब एक और फोल्ड करिए इस परपेंडिकुलर को ए से, हमने क्या किया पहले ए करके यहां इस तरीके से फोल्ड किया इस डायरेक्शन में, अब हमने क्या किया इसको ए में फोल्ड किया, यानी कि यहां से यहां तक इस तरीके से फोल्ड करेंगे ए, और जब हम फोल्ड करेंगे तो जो नई परपेंडिकुलर लाइन बनेगी उसको हम एम कहते हैं, एक एम कहेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो L है और ये M है, ये दोनों पैरेलल होंगे। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टीज है पैरेलल लाइन की जो आपको बता सकती है कि ये L और M दोनों पैरेलल है? तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये ट्रेवर्सल है, ये लाइन ट्रेवर्सल है, और क्योंकि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल बन रहे हैं, क्योंकि हमने इसको परपेंडिकुलर ही बनाया हुआ और उसी के हिसाब से मोड़ा, तो ये जो दो एंगल आपके करस्पॉन्डिंग बन रहे हैं उसी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। इसको आप नाप भी सकते हैं। तो एक लाइन आप ये दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, आप क्या करें, एक लाइन बनाइए, ये एक पॉइंट एक आउटसाइड ले लीजिए, उसके बाद एक पॉइंट बी ले लीजिए इस लाइन पे एल, और इस ए बी को आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दिया आपने स्केल से, उसके बाद इस बी को सेंटर लेके और जो भी आपका मन हो उतना कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क बना दीजिए जो एल को कट करे सी पर और ए बी को कट करे डी पर। ये डी हो गया, ये सी हो गया। अब ए को सेंटर लीजिए, यहां पर आपको सेंटर लेना है, और उसी रेडियस से इस तरीके से बना दीजिए आप, सेम रेडियस लेना है आपको। अब एक आर्क आपको ई एफ, एक आर आपको ई एफ इस तरीके से यूं बनानी है जो ए बी को काटेगी यहां पर, कहां पर, जी पर। ये पॉइंट यहां पर आपको मिला जी। अगला क्या करेंगे, अब कॉम्पस को अपने सी पे रखिए आप और उसको एडजस्ट करिए ओपनिंग को, ताकि जो इसकी पेंसिल की जो टिप है वो डी पे पहुंच जाए, यहां पर सी पे रखिए, डी पर पहुंच जाए। इसी ओपनिंग से जो आपने यहां पर लिया, इसी ओपनिंग पे, मतलब उतनी ही ओपनिंग लेंगे आप, अब जी पे सेंटर पे आइए और एक आर्क काटिए इस ई एफ पे, इस आर्क पे एक कट लगाइए जो एच पे कटेगा, यू यहां पर एच पे काटिए, ये वाला कट गया आपका, ये पॉइंट आपका बन गया एच, राइट। उसके बाद आप इस ए एच को ज्वाइन कर दीजिए, आप देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो एंगल बनाया और ये जो एंगल बनाया सेम बनाया, और दो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर अपोजिट एंगल सेम होते हैं। आप समझ गए क्या तरीके हैं बनाने के, कैसे पैरेलल लाइन बनाएंगे, ये एक्टिविटीज है, इसको करेंगे तो आपको पैरेलल लाइन मिलेंगी। ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ट्रायंगल के लिए देखिए सबसे पहली चीज तो ये होती है, ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस होती हैं आपकी, तीन आपकी साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं। तो साइड एंगल, इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं।
तो जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का वो क्या होता है, जरा थोड़ा सा याद कर ले। जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का, ताकि आपको थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए, एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का ये होता है, ये इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है सम के, यानी थ्री जो है यहाँ पर वन और टू के एड होके बराबर हो जाएगा। जो टोटल मेजर है तीन एंगल का ट्राइंगल का, अगर आप तीन का सम लें, वन टू और थ्री, ये तीनों मिलके 180 डिग्री बनेंगे। और सम किसी भी दो साइड को अगर आप लेंगे, जैसे ए और बी लिया, तो इनका सम करेंगे तो हमेशा सी से ये बड़ा होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो राइट एंगल ट्राइंगल को आर्म्स लिए हुए हैं उनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो हाइपोटन्यूज, जो जो राइट एंगल के अपोजिट साइड है हाइपोटन्यूज, उसके बराबर होगा स्क्वायर के। तो कॉन्ग्रुएंस में हमने क्या देखा था, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में हमने देखा कि अगर तीन साइड बराबर है, तीन साइड बराबर है तो ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड और उसके बीच में एंगल अगर बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड दो एंगल्स ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, ये एंगल और उसके बीच में इंक्लूडेड साइड अगर बराबर है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जो हाइपोटेन्यूज है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कह रहे हैं, तो अगर हाइपोटेन्यूज बराबर है, 90 डिग्री तो खैर बराबर है ही, और कोई भी एक साइड बराबर है तो आप कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। अब ये सब आइडियाज जो थे ट्राइंगल के, हमने प्रॉपर्टीज देखी, इसको यूज करके हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम देखें कैसे, तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जब तीन साइड उसकी नोन हो, ये इसको कहते हैं SSS क्राइटेरियन, साइड। तो अगर तीनों साइड पता है तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे आपको एक ट्राइंगल एबीसी बनाना है, इसमें ए बी आपको 5 दिया हुआ है, बी सी 6 दिया हुआ है, ए सी आपको 7 दिया हुआ है, तो हम एक रफ एक स्केच बनाएंगे, पहले अपने हाथ से एक रफ स्केच बना लें। जैसे हमने कहा कि ये 6 है, ये 5 है, ये 7 है, कुछ इस तरीके से बना दिया, ताकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बेस आपने 6 लिया था, तो यहां से लेकर यहां तक आप एक लाइन सेगमेंट लीजिए 6 का, ठीक। अब इस पॉइंट पे लीजिए, क्योंकि हमने इस तरीके से BC 6 माना, अब ये हमारा क्या था, कुछ 5 था, ये 7 था। तो अब अपने प्रकार से आप जो डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे 5, और यहां से लेके B पे रख के एक आर्क काट दीजिए 5 पे, राइट। तो यहां पर हमने इस तरीके से काट दिया, इतना काटिएगा कि अगर C से काटेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर एक इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो यहां से यहां तक आपने प्रकार रखे जब काटा, तो कोई भी पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस बी से 5 होगा, यहां तक हो गया। अब जरा इधर पे आइए, सी पे रखिए, सी से 7 का डिस्टेंस लीजिए, यहां से तो आप 5 का डिस्टेंस ले चुके थे, सी से 7 का डिस्टेंस लीजिए और उसको जो 5 से डिस्टेंस किया था वह उसी के ऊपर काटिए, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। बस इसको बी से ज्वाइन कर दीजिए, ये 5 होगा, और इसी को 7 से ज्वाइन कर दीजिए, ये 7, आपका ट्राइंगल बन गया, ये आपका ट्राइंगल है, इसको आपको ज्वाइन करना है स्केल से, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। फिर से बताता हूं, एक लेंथ दीजिए 6 की, प्रकार लीजिए 5 का एक कट दीजिए, यहां से लीजिए 7 का एक कट दीजिए, जहां दोनों इंटरसेक्ट होते हैं इसको जोड़ दीजिए, ये आपका 5 होगा, ये 7 होगा। तो इसी तरीके से और भी आप ट्राइंगल बना सकते हैं, अगर आपको तीन साइड दिए हुए हैं तो, और अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो एग्जैक्टली दूसरा ट्राइंगल वैसे ही बना सकते हैं, बस साइड नाप लीजिए और वैसे कट कर लीजिए। तो अगर आप यू बनाना चाहें, जैसे एक क्वेश्चन है कि एक 6 लिया इन्होंने, अ स्टूडेंट अटेम्प्टेड टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल उन्होंने बनाने की कोशिश की, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्यू आर बनाया 6, फिर क्यू को सेंटर लेके उन्होंने 2-3 काटा, और आर को सेंटर लेके इन्होंने 2 काटा, और उन्होंने क्या किया, इनको ये पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, ये पॉइंट मिल नहीं पा रहा है इनको, क्योंकि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मीट नहीं हो रही, क्योंकि जो सम है किसी भी दो साइड का, दो साइड के ट्रायंगल का, वो हमेशा बड़ा होता है तीसरे साइड से। अगर आप 3 और 2 को जोड़िए तो 5 आता है, 5 तो 6 से छोटा हुआ, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। अब हम SAS क्राइटेरियन यूज करेंगे, मतलब साइड एंगल और साइड दिया हो तो कैसे ट्राइंगल बनाएंगे उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आपको एक क्वेश्चन यहां पर है, एक ट्राइंगल PQR बनाना है, उसमें आपको साइड दिया है 3 एक साइड है, दूसरा 5.5 साइड है, और एंगल PQR दिया है 60, तो आप कैसे बनाएंगे, पहले तो रफ स्केच बना लीजिए, सबसे पहले रफ स्केच बनाएंगे
आपको आइडिया लग जाएगा कैसे होगा। हमने पी क्यू आर बना दिया, यहाँ क्यू को 60 डिग्री दे दिया और ये 5.5, ये 3, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लाइन सेगमेंट बनाएंगे 5 की, ओके। फिर 60 डिग्री एंगल बनाएंगे आप। 60 डिग्री कैसे बनाते हैं? 60 डिग्री आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे और यू कट करेंगे, ठीक। तो जो कट होगा आप 60 डिग्री जानते हैं, 60 डिग्री जैसे बनाना है आप बनाएंगे, या प्रकार से सीधा नाप लेंगे, इससे सीधा इससे नाप लेंगे। तो यह 60 डिग्री का एंगल आपने एक लाइन खींच दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यू पे रखिए और 3 का लेंथ यहाँ काट दीजिए। ये जो काटा है ना आपने, ये जो पॉइंट मिला, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, आपका ट्राइंगल बन गया। ये 5.5 है, ये 3 है, ये 60 डिग्री है, और इसी तरीके से आप ट्राइंगल बना देंगे, ये आपका पूरा ट्राइंगल हो गया। मैं फिर से बताता हूँ, 5.5 की लेंथ खींचेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनाएंगे और 3 यहाँ से लेके काट देंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आपका ट्राइंगल बन गया। तो इस कंस्ट्रक्शन में जो लेंथ है दो साइड के, और मेजर आपको दिए हैं, अगर एक साइड आपको ये दी है एबी, एसी 5 दी है और एंगल 30 है, क्या हम ये ट्राइंगल बना सकते हैं? एसी हम 5 बना सकते हैं, सी हम मेजर कर सकते हैं 30, लेकिन सी ए, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, हम ये कह रहे हैं कि सी एंगल आपका 30 है, ये सी एंगल है। आप कह रहे हैं कि जो एसी है 5 है और जो ए बी है वो आपको दिया है कितना, 3, ठीक। तो अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि हम 5 की लेंथ बनाते हैं पहले और उसमें 30 डिग्री ले लेते हैं, राइट। तो अब यहां से हमको दूसरा साइड, तो ये वाला साइड तो पता ही नहीं है, जब इसी 30 पे हमको ये तो दिया हुआ 30, अब वो यहाँ कट करेंगे तभी तो इसको जोड़ेंगे, और इसकी क्या गारंटी है कि 3 होगा? हमको तो कट भी नहीं पता, ये साइड ही नहीं पता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हम ट्राइंगल बना रहे हैं जिसमें ए एस ए दिया हुआ है, यानी कि एक एंगल उसके बीच में साइड और उसका दूसरा एंगल, यानी कि दो एंगल और उसके बीच में इंक्लूडेड साइड। तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे आपको एक ट्राइंगल बनाना हो एक्स वाई जेड, जिसमें आपको एक्स वाई 6 दिया हुआ है, एंगल जेड एक्स वाई आपको 30 दिया हुआ है, एक्स वाई जेड 100 दिया हुआ है। तो इसका क्या करेंगे, जब से पहले सबसे बनाने से पहले एक जरा एक रफ स्केच बना लीजिए, कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। तो सबसे बढ़िया क्या है, सबसे पहले आप 6 का लेंथ लीजिए, यहां पर आप 30 बनाइए 30 डिग्री, और यहां पर आप 100 डिग्री बनाइए, ये अपने आप यहां पर इंटरसेक्ट होगा, यही आपका ट्राइंगल हो जाएगा। सबसे पहले आपको 6 की लेंथ बनानी है, ये आपको 30 डिग्री बनाना है और ये आपको 100 डिग्री बनाना है, जहां ये जाके इंटरसेक्ट होंगे वही आपका ट्राइंगल होगा, ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा। 6 बनाया, 30 बनाया, 100 बनाया, जहां इंटरसेक्ट हुए वो ट्राइंगल हो गया। तो इस तरीके से आपका ट्राइंगल बनेगा। अब देखिए यहां एक ट्राइंगल है, इस जो लेंथ है साइड की और मेजर दो एंगल का दिया है, और इस प्रॉब्लम को समझिए, क्या आप ट्राइंगल बना सकते हैं? जैसे एबीसी दिया हुआ है, चलिए इसको बनाते हैं। एंगल ए दिया हुआ है 60, एंगल ये दिया है 50, और ए और बी दिया हुआ है, सी है 7, मतलब ए सी आपको 7 दिया हुआ है। तो दो एंगल तो दिए हैं आपको, ये इंक्लूडेड साइड नहीं है, ये इंक्लूडेड साइड नहीं है। देखिए ये 60 डिग्री है, 50 डिग्री कितना हुआ, 110 डिग्री, ये कितना होना चाहिए आपका, 70 डिग्री। आप कर क्या सकते हैं, 50 डिग्री बनाइए, यहां से 60 डिग्री बनाइए, ऐसे मैं बताता हूं। पहले आप क्या करिए, आप 7 की लेंथ दीजिए, इस जगह 7 की लेंथ दीजिए, अब ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे, 7 की लेंथ दीजिए, यहां पर आपको बनाना है 70 का, यहां पर बनाना है आपको 60 का, ये आपका होगा एंगल ए, ये एंगल होगा सी, 760 होगा, ये जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो अपने आप ही आपको 50 डिग्री देगा और बन भी जाएगा, ठीक। यू कैन ड्रॉ दिस ट्राइंगल। अब ऐसा बनाएंगे आरएचएस वाला, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें लेंथ एक लेग की दी हुई है ये या ये, और आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो आपको एक ट्राइंगल बनाना है एल एम एन, जो राइट एंगल है एम पे, और उसकी जो लेंथ दी हुई है एल एन की वो 5 दी हुई है, और एम एन आपको 3 दिया हुआ है। तो पहले रफ स्केच बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से रफ स्केच बनेगा। हम ये 3 बनाएंगे, ये 5 बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम 3 की लेंथ लेंगे, ऐसे 3 90 डिग्री तो आप आराम से बना लेंगे, इस पॉइंट पर रख के 5 इधर काट देंगे, बस ये आपका ट्राइंगल हो गया। इसका तो बनाने का तरीका बहुत आसान है, आपने 3 लेना है, 90 डिग्री बनाना है, और 90 डिग्री आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप 90 डिग्री बनाना जानते हैं, उसके बाद यहां से इतना
पांच का लेके कट कर देना, इसको ज्वाइन कर देना, ये आपका ट्रायंगल हो गया आपका। यू जस्ट हैव टू ज्वाइन दिस विद दिस, तीन हो गया, ये पांच हो गया, ये 90 डिग्री। तो ऐसे ही आप ये अलग अलग आपको दिए हुए हैं ट्राइंगल्स मेजरमेंट, और इसको बनाने की कोशिश करिए। मैं एक आध इसमें लेता हूं, तो ट्राइंगल ये वाला लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है। इसमें एक रफ स्केच बना लेते हैं, क्यू ये हो गया, आर ये हो गया, ये 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। तो क्या करिए, यहां पर आप लेंथ लीजिए 4.57, ये वाला ले रहा हूं मैं, यहां से 30 डिग्री लीजिए, यहां से 60 डिग्री लीजिए, जहां ये कट करेगा ये आपका ट्राइंगल हो गया। एक और ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, तीन चार और पांच। इसमें सबसे बढ़िया रहता है तीन चार पांच में कि आप जो सबसे बड़ा साइड है उसको सबसे नीचे दीजिए तो बढ़िया रहेगा। तो इसका पांच की लेंथ खींचिए, यहां पर रखिए तीन का काटिए, यहां पर मतलब ऐसे पांच लेंगे, यहां पर रखिए तीन का काटिए, यहां पर रखकर चार का काटिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा। तो हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया कि जो रूलर और कॉम्पस लेके हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किए, हम ऑल्टरनेट एंगल इक्वल करके और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करके हम दो लाइन पैरेलल बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर एस 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 साइड 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 दी हुई है, साइड एंगल साइड दिया हुआ है, एंगल इसके बीच में इंक्लूडेड है, एंगल एंगल दिया हुआ है, साइड इसके बीच में इंक्लूडेड है, और आर एच एस दिया हुआ है, मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, तो आप ट्राइंगल को बना सकते हैं आराम से रूलर और कॉम्पस लेके। तो ये इस चैप्टर की बात हुई, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।